जुलाई की शुरुआत होते ही फिर से शहनाइयों की धुन सुनाई देंगी, यानी कि शादी विवाह का सीजन शुरू हो जाएगा। लेकिन ध्यान दें, ये सीजन बहुत लंबा नहीं होगा। 3 जुलाई से विवाह मुहूर्त शुरू होंगे, लेकिन ये केवल 8 दिन यानी 15 जुलाई तक ही रहेंगे। इसके बाद 16 जुलाई को देवश्यानी एकादशी से चतुर्मास शुरू हो जाएगा, जिसमें विवाह नहीं किए जाते। विवाह मुहूर्त के खास दिन कौन से हैं? 3 जुलाई से 15 जुलाई केवल 8 दिन के मुहूर्त हैं। 16 जुलाई को देवश्यानी एकादशी से चतुर्मास शुरू होगा, जो 12 नवंबर को देव उठानी एकादशी पर समाप्त होगा। 12 नवंबर से दिसंबर फिर से विवाह के मुहूर्त शुरू होंगे, लेकिन इस साल के अंत तक केवल 27 दिन ही शहनाई बजेंगी। 3 जुलाई से विवाह मुहूर्त प्रारंभ होने वाले हैं। खास बात यह है कि 8 दिन के लिए ही विवाह मुहूर्त हैं, केवल 3 जुलाई से 15 जुलाई तक। अभी गुरु और शुक्र ग्रह के अस्त रहने की वजह से विवाह मुहूर्त नहीं है। गुरु 2 जून और शुक्र 29 जून को उदित होंगे। इन ग्रहों के उदित रहने पर ही विवाह किए जाते हैं। गुरु और शुक्र अस्त हो जाने के कारण विवाह मुहूर्त नहीं थे। 2 जून को शुक्र उदय हो रहा है, 29 जून को गुरु उदय हो रहा है, जिनके कारण 3 जुलाई से विवाह मुहूर्त प्रारंभ होने वाले हैं। मई और जून में एक भी विवाह मुहूर्त नहीं था, इसलिए जुलाई में 8 दिन के मुहूर्त में शहर और आसपास 1000 से अधिक जोड़े विवाह करेंगे। इसके बाद सीधे नवंबर और दिसंबर में विवाह होंगे। केवल और केवल 8 दिन ही विवाह मुहूर्त रहेंगे, 3 जुलाई से 15 जुलाई तक। ज्योतिषी शोभेश शास्त्री के अनुसार 23 अप्रैल से शुक्र तारा पूर्व दिशा में अस्त है और 6 मई से बृहस्पति भी अस्त हो चुके हैं। जुलाई में अंतिम विवाह मुहूर्त 15 तारीख को रहेगा। इसके बाद 17 जुलाई को देव शनि एकादशी से चतुर्मास शुरू होगा, जो 12 नवंबर को देव उठानी एकादशी पर समाप्त होगा। 16 जुलाई को देव शनि एकादशी है। देव शनि एकादशी पर सभी देवी देवता सो जाते हैं, विश्राम की गति में पहुंच जाते हैं। वही मैरिज गार्डन ओनर्स एसोसिएशन के सौरभ जडिया ने बताया कि जुलाई में 8 दिन के मुहूर्त के लिए शहर के ज्यादातर परिणय हॉल, मैरिज गार्डन, होटल में बुकिंग हो चुकी है। डीजे, बैंड बाजा, घोड़ा, रोड लाइट की भी एडवांस बुकिंग की जा रही है। इन दिनों में बाजार में भी काफी चहल पहल रहेगी और एक बार फिर से रौनक दिखाई देगी। लोकल 18 के लिए सागर से अनुज गौतम की रिपोर्ट।